वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास कि आखिर एरिटिक प्रोग्रेशन है क्या ना बहुत सारी सीरीज होती हैं राइट बहुत टाइप की सीरीज होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सीरीज हो गई राइट 3 5 7 11 13 17 19 तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो राइट कुछ कॉमन प्रॉपर्टी है ये सारे जो टर्म्स हैं दे विल फॉलो सम कॉमन प्रॉपर्टी वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ रही है कि दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स सारे के सारे नंबर जो हैं वो प्राइम है अच्छा एक और सीरीज लेते हैं अब यहाँ पे आप देखोगे वन है फोर है नाइन है सिक्सटीन है ट्वेंटी है थर्टी है तो ये सारे टर्म्स क्या कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं ये सारे के सारे स्क्वेयर्स हैं ठीक है ठीके? तो पहला जो सीरीज था राइट वो था प्राइम नंबर्स के ऊपर दूसरा है, it is square of natural numbers. ये है है? ये सब ठीक एक और सीरीज सीरीज देखते हैं। हैं? अच्छा, में हम क्या क्या देख पा रहे कॉमन प्रॉपर्टी लग रही है तो कॉमन प्रॉपर्टी ये लग रही है कि time, राइट, यौर, यौर यौर उसके बाद टू ऐड किया फिर थ्री ऐड किया फिर फोर ऐड किया फिर फाइव ऐड किया फिर सिक्स ऐड किया राइट सो एवरी टाइम यू एड अ नंबर दैट इज वन मोर देन द प्रीवियस नंबर तो अगला नंबर कौन सा होता तो पहले हमने सिक्स एड किया था अगर इस सीरीज का अगला टर्म कोई मेरे से पूछे सो दैट वुड हैव बीन ट्वेंटी टर्म आएगा इस सीरीज में ट्वेंटी नाइन सात एड करने के ऊपर मिलेगा ठीक है लेट सी सीरीज वन टू फोर ध्यान से देखो इस सीरीज के और पिछली सीरीज के तीन टर्म तो मैच हो रहे हैं

एट हो गया फिर से थ्री ऐड किया इलेवन फिर से थ्री ऐड किया एंड सॉन्ग ऐसे सीरीज को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं राइट एवरी टाइम यू एड द सेम नंबर नंबर बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर ही होगा राइट इट कुड बी फ्रैक्शन हो क्या है आप एड कर रहे हो वो अच्छा, पॉजिटिव हो, ही होगा इट कुटिव राइट जैसे अगर मैं आपको ऐसा बोलू की ट्वेंटी फोर है एंड एवरी टाइम आई एम गोइंग टू एड माइनस थ्री राइट और यू कैन सेवरी टाइम वी आर गोइंग टू सब थ्री एक ही बात है एडिंग माइनस थ्री और सब ट्रैक्टिंग थ्री इज वन एंड द सेम सो ट्वेंटी वन हो जाएगा फिर एटीन हो जाएगा फिफ्टीन हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा एंड सोन so ये भी सीरीज जो है आपकी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी ठीक है तो बेसिकली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिकेटिव टर्म्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट कोई भी दो कंजीगेटिव टर्म ले लोगे, अगर आप सीरीज में से तो उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट एपी कैन हैव negative टर्म्स जीरो एंड पॉजिटिव टर्म्स इन द सेम sequence. सेम सीरीज में जीरो भी, भी, भी आ रहा है ऐसा हो सकता है उनके बीच का डिफरेंस आ रहा है टू बट इवन इफ यू टेक माइनस टू माइनस ऑफ माइनस फोर इवन दिल बिकम माइनस टू प्लस फोर दैट इज टू ओनली सो एवरी टाइम राइट योर डिफरेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव टर्म्स इज गोइंग टू रिमेन अट एंड इन दिस पर्टिक्यूलर केस ठीक है सो वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज के एपी नाउ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू कॉल इट एपी ओनली सीरीज और भी बहुत सारी टाइप की होती है बच्चों बट सैडली आपके कोर्स में सिर्फ एक ही सीरीज रखी हुई है दैट इज एरिटिक प्रोग्रेशन बट जोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक राइट कॉम्बिनेशन ऑफ द टू राइट बहुत सारे टाइप की ऑल दीज सी आपना चाहते हो बाकी सारी सीरीज को भी जस्ट ड्रॉप अट इफ समेड आई विलपरेट विडियो ऑन ज्योमेट्रिक हार्मोनिक एंड अदर सीरीज एज वेल राइट सो एपी एरिटिक प्रोग्रेशन इज कैरेक्टराइज बाय कॉन्स्टेंट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेकेटिव टर्स दैट इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर क्या आपका डिफरेंस कॉन्स्टेंट होगा नी टू कॉन्टिव टर्म्स राइट अच्छा अब दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पूरे चैप्टर में जिसके ऊपर right? so, we'll तो तो मैंने आपको बोला यहां पर क्या होगा फर्स्ट टर्म ए है एंड एवरी टाइम आई एम गोइंग टू एडी हर बार में डी एड करते जाऊंगा तो so, तो so, अब जो आपका आपका बनेगा पहला पहला है और हर बार आप क्या करोगे करोगे करते 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 जाओगे D करते जाओगे D करते जाओगे अगला so, हो जाएगा एक अच्छा अगले टर्म में आप क्या करोगे फिर से एक और डी एड करोगे तो नेक्स्ट टर्म जो आएगा आपका दैट विल बी ए प्लस टू डी नेक्स्ट आप फिर से एक और डी एड करोगे यू विल गेट ए प्लस थ्री डी एंड नेक्स्ट यू गेट ए प्लस फोर डी Every time, simply adding a constant difference. जो भी मेरा constant difference होगा, वो मैं करते जा रहा हूं। तो इसका general term देखते हैं, राइट uh, कोई भी टर्म अगर मेरे को पता ना होता स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा लेट सी टर्म सो इन दिस केस इफ आई टॉक अबाउट द जनरल टर्म उसका तरीका है लिखने का टी एन टी एन का मतलब होता है इन टर्म ठीक है अब ध्यान से देखो आप जितने भी टर्म देख रहे हो ऊपर राइट ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस ए तो एक ही बार आता है right? D, है राइट इट इज ऑलवेज सम ठीक तो पहले तो आपका जो टी एन है ठीक है एंथ टर्म ठीक है तो टी एन वुड बी ए प्लस मैं इधर लिख देता हूं अगर वो छुप रहा है तो ठीक है टी एन विल बी ए प्लस समथिंग ठीक है हमेशा हर बार टर्म में ए ही रह रहा है अच्छा उसके बाद लेट्स पे अटेंशन के डी के ऊपर फोकस करते हैं ना पहले टर्म में फर्स्ट टर्म में कितने डी थे एक भी डी नहीं था सेकंड वाले टर्म में एक डी आया थर्ड वाले टर्म में दो डी आए चौथे टर्म में थ्री डी है पांचवें टर्म में फोर डी है तो एन थर्ड टर्म में कितना होगा तो ऑब्वियस सी बात है इट वुड बी एन माइनस वन ठीक है।, है क्योंकि हर टर्म में एक डी कम हो जा रहा है पहले में जीरो दूसरे में एक तीसरे में दो चौथे में तीन तो एंथ में एन माइनस वन हो जाएगा एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग है टी एन इज योर एंथ टर्म राइट जिस भी टर्म की आप बात कर रहे हो ए क्या है ए है आपका फर्स्ट टर्म ठीक है ए इज योर फर्स्ट टर्म एन क्या है राइट एन इज द वैल्यू राइट वैल्यू ऑफ एन क्या जिस भी टर्म की बात कर रहे हो ठीक right? uh, uh, right? है डी इज नथिंग बट द कॉन्स्टेंट डिफरेंस जो भी आपके एपी का कॉन्स्टेंट डिफरेंस फॉलो हो रहा है ठीक है दैट वैल्यू इज नथिंग बट डी ये फॉर्मूला बहुत काम का है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी

इस सीरीज का आपका फर्स्ट टर्म क्या था सो फर्स्ट टर्म तो क्लियरली दिख रहा है आपको राइट right? वो तो आपको देख के ही मालूम पड़ जाएगा हमेशा कि फर्स्ट टर्म जो है आपका राइट right, वो ए है राइट सो दैट इज वन इन दिस केस जो सीक्वेंस में पहला टर्म आ रहा है डी क्या है आपका राइट right? क्या ऐड हो रहा है हर बार क्या ऐड करते जा रहे हो आप राइट right? या फिर ऐसा भी देख लो कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म सो कंसिक सेवन कितना है टेन माइनस सेवन आपका थ्री है एन कितना बोला है आपको हंड्रेड टर्म आपको निकालने को बोला टी एन हमें निकालना है ठीक टू नाइन्टी एट वुड बी योर आंसर इन दिस केस अगेन इतना आसान सवाल शायद एग्जाम में ना आए बट हाँ अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं

यहां पे आपको ना टी एन भी पता है आपको एंथ टर्म बोल दिया गया है कि भाई ये आपका 172 आएगा अपने को ना एन का वैल्यू निकालना है अब देखो अगर एन का वैल्यू फ्रैक्शन में आया ना इसका मतलब है 172 इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सीरीज और अगर एन का वैल्यू एक नेचुरल नंबर आता है दैट मीन वन सेवनटी टू इज इंडीड पार्ट ऑफ द सीरीज एंड कौन सा टर्म होगा वो भी आपको एन के वैल्यू से मिल जाएगा सो लेट्स फॉर अ मोमेंट एज्यूम से पार्ट ऑफ द सीरीज सो आई शुड गेट अ इंटीग्रल वैल्यू फॉर n टी एन जैसा कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी होता है थ्री एंड टी एन इज वन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू सो इफ आई नाउ ट्राई टू सोल्व दिस आई विल एंड एन माइनस वन इन टू थ्री दैटमटी वन सो

और सेवेंटी टर्म का जो डिफरेंस आएगा टी सेवन टर्म था right? वो केस राइट टी एटीन जो आप निकालने वाले हो सो टी एटीन वुड बी बट के में आप डी एड कर दोगे ठीक है फिर से टी नाइनटीन जो होगा उसमें आप फिर से क्या करोगे के प्लस टू डी एड कर दोगे तो इस प्रकार से आप डी 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 तो ऐड करते जाओगे तो 17 से 25 जाने के लिए आपको 8d डी एड करना पड़ेगा सो डिफरेंस इज गोइंग टू बी 8d. डी अब डी क्लियर है अपने को, D हमारा 3 है, इंडिविजुअल टर्म्स रिमेंबर बिटवीन लेट से टी टेन अगर मैं आपको बोलूं और पूछूं मैं टी ट्वेंटी फाइव तो इनके बीच जो डिफरेंस आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फिफ्टीन डी ओनली ठीक है टी ट्वेंटी फाइव

ये है। तो इस एपी का अगर आप निकालोगे ना, right? राइट तो right? तो यहाँ पे टर्म्स मेरे क्लियरली odd हैं। तो इस पूरी सीरीज का एवरेज अगर आप निकालोगे तो बीच वाला टर्म आएगा twelve, ठीक है आप चाहो तो वेरीफाई भी कर लेना फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स एंड देन डिवाइड दैट विथ सेवन आपका सम ऑफ ऑल टर्म्स जो आएगा ठीक है यू विल गेट दैट एज एटी फोर और एटी फोर को डिवाइड करोगे सेवन से सो यू विल एंड अप ठीक है पक्की बात तो एवरेज जो है आपका वो मिडिल टर्म हो जाता है ये एक प्रॉपर्टी है या फिर ये भी आप याद रख लेना कि एवरेज ऑफ एन एपी इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म लो लास्ट टर्म लो और उसका एवरेज ले लो एवरेज ऑफ एन एपी इज सेम एज एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ठीक है सो so, पे आप देख सकते हो आपका फर्स्ट टर्म था थ्री और आपका लास्ट टर्म था ट्वेंटी वन उसको आप डिवाइड करोगे टू से सो प्लस ट्वेंटी एपी इज ट्वेल्स ट्वेल्व ऑब्वियसली आप देख सकते हो आपका मिडल टर्म भी था या फिर यू कैन सिंपली डू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई टू राइट बिकॉज अगेन हमें काफी बार पता नहीं होता कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं है इवन है यू विल प्रॉब्लली नॉट बी नोइंग द नंबर ऑफ टर्म्स

ठीक है दैट विल बी नथिंग बट एन इन टू एवरेज अच्छा और एवरेज क्या होगा आपका सीरीज का सीरीज का जो एवरेज आएगा दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू ठीक है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू अच्छा तो एक टू को साइड पे ले लेते हैं सो दिस विल बिकम अब आपका जो नॉर्मल सीरीज आप लिखते हो राइट कंसिडर अनेरिक सीरीज ए ए प्लस डी ए प्लस

इंटू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी ठीक है ये एक और फॉर्मूला है जिसको आप यूज करते हो फॉर फाइंडिंग मेरे ओपिनियन में ये फॉर्मूला ज्यादा बढ़िया है राइट right? बट ये फॉर्मूला तभी काम का है जो आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों हो अगर आपको नहीं पता राइट लास्ट टर्म क्या है तब आपको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा दैट इज एन बाई टू इन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी मेरे ओपिनियन में आपको फॉर्मूला रटना नहीं चाहिए बिना सोचे समझे यू शुड बी वेरी क्लियर राइट के भाई ये जो फॉर्मूला है वो किस लॉजिक पे आ रहा है राइट right? वो लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए हमको कि भाई ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया सो इफ द डेरिवेशन पार्ट इज क्लियर टू यू तो आप एग्जाम में ना फॉर्मूला में गड़बड़ नहीं करोगे नहीं तो मैंने बच्चों को देखा हुआ है कि एग्जाम में वो टू के बदले ए ले लेंगे एन माइनस के बदले वो टू इन टू एन माइनस वन डी ले लेंगे सो इफ यू के फॉर्मूला कैसे आया

दो तरीके हैं या तो आप टर्म निकाल लो, लो ट्वेंटी कैसे निकालना है आपको आता है या फिर आप सीधा दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ एन बाई टू ये मुझे पता है एन मेरा ट्वेंटी है, है।, है मेरे को बीस टर्म का सम निकालना है आई नीड टू फाइंडी टर्म्स सो एस एन जो होगा दैट विल बी एन बाई टू इन टू ब्रैकेट टू ए प्लस

कितना टाइम लगेगा राइट मैन्युअली ऐड करने में तो कुछ ना कुछ गलती कर देंगे हम पक्की बात राइट वन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस टेन प्लस थर्टी बीस टर्म हम मैन्युअली ऐड करने जाएंगे इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम एंड एंडली एंड अप मेकिंग सम मिस्टेक और द अदर राइट सो इफ यू नो द फॉर्मूला फाइंडिंग द सम इज वेरी इजी ठीक है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ठीक uh, है वी हैव सीन द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला चलिए

2a will become 16 n minus 1 would be 21 21 into 3 right will give you 63 so this will become 11 into 79 right 11 into 79 now that would be nothing but 790 plus 79 okay that would be 790 plus 79 uh, 11 cuban a break earlier 10 plus 1 so that answer will become 8

राइट right? और आपका आंसर गलत आएगा डी फाइव नहीं है बच्चों अगेन टेक द डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स सो सो पे 3 -8 अगर आप लोगे तो जो जो है 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 आपका आपका वो -5 आएगा ठीक है? अच्छा N हमें बोला हुआ so, विल बी राइट एंड डी इज माइनस फाइव राइट सो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा इन टू वन नाइनटी में से ट्वेंटी तो आता बट यहाँ पे एक और सब करना पड़ेगा ट्वेंटी सिक्स सो दिसन हंड्रेड एंड सिक्स इसको आप पहले टू से मल्टीप्लाई कर दो यू थ्री हंड्रेड एंड इज थ्री थर्टी एट फॉलोड बाई अटिवियस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थोड़ा आपको डेवलप करना पड़ेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ना सीरीज दे है और आपको ये पूछा है हाउ मेनी ट मस्ट बी टेकन सो दी एट आपका जो सम है वो सेवन आए तो ऐसे कितने टर्म लेने की अपने को राइट तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्या पता है अपने को? वो लेते हैं, so 24, again, गलती ना करे डी आपका माइनस थ्री है नॉट प्लस थ्री एन हमें नहीं पता ठीक है एन हमें नहीं पता हमें एस एन पता है कि हमें जो समर्म्स चाहिए दैट शुड कम आउट टू बी सेवेंटी एट राइट आई शुड गेट सेवेंटी एट एज माई सम एस एन इज एन बाई टू एन हमें पता नहीं है तो वो रखना पड़ेगा इन टू ट्वाइस ऑफ ए टमटी एट इन दिसनस वन अगेन आई इसको कुछ नहीं कर सकते इन टू माइनस थ्री ठीक है और ये सम दे दिया है आपको सेवेंटी एट तो इसको इक्वल टू सेवेंटी एट कर दीजिए ठीक है सो दिस बिकम एन इन टू फोर्टी एट माइनस थ्री एन

राइट right? काफी बार जल्दबाजी में हम क्या करेंगे पता है और एग्जामिनर भी थोड़ा स्मार्ट होगा ना राइट right? तो वो चार सवाल चार टर्म दे देगा आपको ठीक है पंद्रह से और कुछ बच्चे मैन्युअली काउंट करने जाएंगे क्योंकि सम बहुत बड़ा तो है नहीं सम तो सेवेंटी एट है अब ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी फाइव एटीन और फिफ्टीन इस थर्टी थ्री और दोनों को एड कर लेंगे 78 आ गया. ठीक है? और सेवेंटी एट हम आंसर लिख देंगे कि भाई आंसर है बट से टर्म लोग बट फिर माइनस तीन माइनस छ माइनस नौ माइनस बारह और माइनस पंद्रह भी तो आएगा तो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं सारे के सारे ठीक है तो इसीलिए आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी थर्टीन

ठीक है सो आपके टर्म्स आ गए 16 अच्छा अब 16 आपके टोटल टर्म्स हैं नेक्स्ट हमें पूछा हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ठीक है सो आपका फर्स्ट टर्म वाज 5 एंड लास्ट टर्म राइट दैट वर्क्स आउट टू बी 16th टर्म ठीक है 16th टर्म ये 45 सो so, वन से 16 जाने के लिए आप 15 बार d ऐड करोगे ना राइट 15 d ऐड करोगे बेसिकली सो फिफ्टीन डी विल बिकम फोर्टी सो डी जो आएगा आपका दैट विल बी फोर्टी बाई फिफ्टीन फाइव आउट एंड एट बाई थ्री वुसर इन दिस केस तो आपका जो कॉमन डिफरेंस आएगा दैट इज गो इन टू बी एट बाई थ्री राइट चलिए दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज यहां पर बच्चे काफी बार मैंने लिखा है गड़बड़ कर देते हैं हमें क्या बोला है फाइंड द सम ऑफ इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स फर्स्ट सेवन टर्म्स दे दिया है

सो फर्स्ट सेवन टर्म्स अब इसमें दो तरीके हैं राइट आ, या तो आप इक्वेशन बना लो दो इक्वेशन दोन दो अभी दो, तक तो पता चल ही चुका होगा कि ये अप्रोच मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है तो अपने क्या करेंगे हम दिमाग लगाएंगे क्योंकि अपने पास है पहले सात टर्म का जो सम आएगा सेवन इज ऑर्ड तो बीच का एक टर्म मिलेगा ना आपको राइट टी फोर मिलेगा आपको सो so, इसका जो राइट सम uh, आएगा दैट विल बी नथिंग बट द दिडल टर्म इन नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज गोइंग टू बी द सम सो so, इसका मतलब है t4 जो आएगा आपका दैट इज गोइंग टू बी 7 सिमिलरली फर्स्ट 17 टर्म्स की अगर हम बात करें 17 भी ऑड है सो so आपका मिडिल टर्म जो है दैट विल बी t9 बीच वाला टर्म होगा t9 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज गिवन टू यूएस 289 सो so, t9 इन दिस केस विल बिकम 17 सो so, t4 पता है अपने को t9 पता है अपने को इससे हम निकाल लेंगे कि भाई T4 से T9 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, Obviously, 5D करना पड़ेगा. ठीक है तो डिफरेंस तो एक बार जैसे ही आपको डी मिला आपको ए भी मिल जाएगा ए मिल गया डी मिल गया अब तो कुछ भी निकाल लो राइट इट इज वेरी इजी इसका आंसर आएगा फाइव हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स इसका एक और शॉर्टकट है वो थोड़े टाइम में मैं आता हूं उसके ऊपर कि इसको और आसानी से कैसे कर सकते हैं ठीक है

एंड सोन टिल नाइनटी सिक्स तक का सम लेना है सो so, यहाँ पे अपने को सब पता है राइट टोटल टर्म्स कितने हैं आपके पंद्रह हैं टू से लेके सोलह राइट टू से तो डिफरेंस so, आएगा प्लस करेंगे बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड ठीक है अच्छा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज कितना आएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकालोगे आप सो दैट विल कम आउट टू बी फिफ्टी फोर सो सम जो आएगा आपका दैट विल बी फिफ्टी फोर इन टू फिफ्टीन दैट इज 540 plus 270 प्लस टू हंड्रेड दैट विल बिकम 810 ठीक है 810 जो है आपका आंसर होगा ठीक है इज वन एंड डी इज आल्सो वन इन दैट केस अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला था हमारा एन बाय टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन डी अब इसमें एन ए भी वन रख दो डी भी वन रख दो, दोनों को वन रख दो सो क्या हो जाएगा ये एन बाई टू एंड दिस विल बिकम टू प्लस दिस विल बिकम एन माइनस वन सो अल्टीमेटली यू विल एंड अप गेटिंग एन इन टू एन प्लस याद रखिएगा सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल इज गिवन बाय ठीक है सम ऑफ एन नेंबर्स इज गिवन बाय एन इन टू एन प्लस वन बाई टू राइट दैट विल बी योर आंसर let's see a few questions based on this property the first question says find the sum of 10 terms of the series 21 plus 22 plus 23 and so on ab suniyega meri baat yahan pe 21 i can write as 20 plus 1 22 i can write as 20 plus 2 23 will become 20 plus 3 and so on das term right to so, akhri term jo hai that will become 20 plus 10 तो भाई 20 तो हर 10 के 10 टर्म में आ रहा है So, 20 aega 10 bar. So, that sum will become 200 plus 1 cell 10 10th addition. That is the sum of 10 natural numbers. So, the sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. So, this will become 10 into 10 plus 1 divided by 2. So, that will be 200 plus 55. So, 255 would be your answer in this case, right? Let us see another question. Over here, we are given, we need to find the sum of

फर्स्ट इन फैक्ट राइट देख के समझ में आ जाएगा कि दस पे आप दो अप्रोच लगा सकते हो एक तो आप एक काम करो नॉर्मल कन्वेंशनल फॉर्मूला लगा लो राइट ए वन है आपका डी टू है आपका और दस टर्म है राइट दैट इज वन अप्रोच या फिर आप क्या कर सकते हो इसके अंदर जो मिसिंग टर्म्स हैं राइट वो लिख दो ठीक है तो मिसिंग टर्म्स क्या थे मेरे

तो ये 1 से लेके टेन तक का सम, जो अभी हमने देखा ये हंड्रेड एंड टेन सो टू हंड्रेड एंड टेन माइनसाइज टू यू वो फॉर्मूला कैसा है आपको करना है. अगर आप नहीं डिराइव कर पा रहे चैट बॉक्स आई विल शो यू डेरिवेशन एज वेल राइट डेरिवेशन ऐसा है फॉर्मूला का

Care. Now, let's end our session with two amazing questions. Now, over here, we are given A as a series which contains 100 terms, and that series being 2, 5, 8, 11, and so on. B is a separate arithmetic progression. It starts from 3 and the series goes like 3, 7, 11, 15, and so on. Dono series mein so -so term hai, right Both the series have 100 terms each.

सो uh, थ्री so है राइट right? यहाँ पे कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज थ्री सेकेंड सीरीज की बात करूं मैं तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंस तो साथ साथ में मतलब एल सी एम लेना होता है आप ने ये फर्स्ट चैप्टर में ही लिया है सो so थ्री और फोर का एल सी एम इज गोइंग टू बिकम ट्वेल्व सो करते जाओगे आप देखो कि सीरीज ए जो है ना राइट उसमें कम टर्म्स होंगे राइट कम टर्म्स मतलब तो में मतलब मेरा छोटे टर्म्स होंगे बट जो मैग्निट्यूड की बात करूं मैं अगर एप्सुलूट वैल्यू की बात करूँ तो सीरीज ए के अंदर जो टर्म आएंगे राइट वो छोटे होंगे तो सीरीज ए कैसी जा रही है टू है फाइव है एट है इलेवन है ठीक है उसके बाद क्या आता फोर्टीन आता सेवेंटी ट्वेंटी थ्री आता उसके बाद अगर आप देखोगे तो ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी टू थर्टी फाइव ध्यान से देखो हर चार में से एक टर्म कॉमन आ रहा है हर चार में से एक टर्म आपका कॉमन आ रहा है वेर एज सीरीज बी में क्या होगा हर तीन में से एक टर्म कॉमन आ रहा है तो

सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू एपीज वो देती तो है तो मान लो एक प्रकार से चलेगी ठीक है दोनों का सम टिल एन टर्म सो एन कॉमन राइट पहले पचास की बात कर रहे हो तो दोनों के लिए पचास की बात कर रहे हो उसका रेशियो देती है राइट सो सम N terms for the first series divided by second series ke N terms wo de diya hai aapko, that is given to you as 7N plus 1 upon 4N plus 27 right now sum of N terms for the very first series will be N by 2 into bracket 2A plus 2A1 ho jaega, right uh, into N minus 1 into D1. एन दोनों के लिए सेम ही है ठीक है दोनों के लिए एन टर्म्स की अभी हम बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय दूसरी सीरीज की बात करूं मैं सो दैट वुड बी एन बाई टू ये रेशियो आपको दिया हुआ है सेवन एन प्लस वन अपॉन फोर एन प्लस ट्वेंटी सेवन राइट आई शुड है स्पेस सो यहाँ पे एन बाई टू एन बाय टू तो कट हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखो आप

हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 10 हो जाए इसका मतलब है एन का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 21 तो ये जो आपका गिवन रेशियो था उसमें एन का वैल्यू आपको 21 रखना है टू गेट द रेशियो ऑफ 11th टर्म सो दैट मींस योर आंसर वुड बी 7 21 वन डिवाइडेड बाय 4 राइट right, uh, 4n 27 था सो दैट विल बी 4 21 27 नाउ

इज नथिंग बट थर्टी एंड वन वन इज नथिंग बट थर्टी सेवन थर्टी सेवन कैंसिल आउट एंड योर आंसर वुड बी फोर बाई थ्री ठीक है फोर डिवाइडेड बाई थ्री इज गोइंग टू बी योर आंसर इन दिस केस राइट सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस आपको समझ में आया ये सवाल हमने कैसे किया सिंपल है हमें यही डिटरमाइन करना है कि भाई का वैल्यू क्या लेना है आउट टू बी ट्वेंटी आपको का जो है है? वो करना पड़ेगा ठीक आपको कोई भी चीज में अगर कोई रह जाती है या आप चाहते हो कि वी टेक अदर टॉपिक एज वेल जिसमें भी आपको तकलीफ हो रही हो जस्ट ड्रॉप अ कॉमेंट राइट इन कमेंट सेक्शन एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट ठीक है चलिए बाय बाय